दरवाजा खोलने में इतनी देर, कितनी देर से बैल बजा रही हूं मैं। कहां है विजय? कहां है मां? कहां है? अनु, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? किसने किया ये सब? धीरे बोलो, उठ जाएंगे। तुम इतनी घबराई घबराई से क्यों लग रही हो? चलो माँ, कहाँ है? कल से उनकी कोई खबर नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है दीदी, मैंने भी कल से माँ को कहीं नहीं देखा है। विजय भी आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं, जब भी माँ के बारे में पूछती हूँ मुझे डांट देते हैं, और आजकल तो मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया है। पर पहले तो उसने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। अनु, अरे दीदी, आप कब आई? माँ कहाँ है? माँ, कमाल है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। फालतू की बातें मत करो, मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है। लेकिन दीदी, मुझे लगा कि माँ आपके साथ है। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों होगी? देखो विजय, माँ को जल्द से जल्द मेरे घर पे लेके आओ। और हाँ, अनु मेरे साथ मेरे घर पे जाएगी, ताकि तुम अपना गुस्सा उस पर नहीं उतार सको। गुस्सा मतलब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो। लेकिन मैंने कब अनु पर हाथ उठाया? ये सब तो माँ ने किया है। अनु बताओ दीदी को, ये सब माँ ने किया है। दीदी ये... तुम रो क्यों रही हो? अनु देखो विजय, आई एम वार्निंग यू, जल्द से जल्द माँ को लेके मेरे घर पे पहुंचो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो अनु मेरे साथ। दीदी मेरी बात तो सुनिए। अनु दीदी मेरी बात तो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनु ने दीदी के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे मारा है? जिन शक्तियों के बारे में हमें पता ही ना हो, उनसे उलझना कहाँ की समझदारी है। बस ये आखिरी बार, एक बार मेरी किताब कंप्लीट हो जाए फिर राइटिंग से ब्रेक ले लूंगी। मैंने उस तालाब के बारे में बहुत सुना है, बहुत भयानक किस्से हैं वहां के। किसने किया ये सब? माँ जी ने। झूठ बोल रही है एकदम, मैंने इसका हाथ नहीं उठाया। तुम ऐसे कह रही है कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ? हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं? पता है इसने क्या कहा? कि कल तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे सोच क्या रही हो, चलो खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्या होता है, चलो आओ। जाननी विजय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, माँ घर छोड़ के दीदी के यहाँ चली गई। फालतू की बातें मत करो, मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है। करीब 50 साल पुरानी बात है, इस तालाब के पास
एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक औरत रहा करती थी। बहुत आभारी हैं हम आपके मास्टर जी, आपकी कोशिशों की वजह से हमारे छोटे से गांव में पाठशाला खुल सका। हमारे बच्चों को एक नया भविष्य दिया आपने मास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये गांव तो मेरा परिवार है और अपने ही परिवार की मदद करना भी कोई मदद है क्या? मुझे बचा लो, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। ये लोग मुझे जानवर की तरह मारते हैं, मुझे तड़पाते हैं, मुझे भूखा रखते हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। अरे बेटी करवा चौथ के दिन तू कैसी बातें करती हो? अरे मास्टर जी तो देवता आदमी। अब क्या बोले, हमारी तो किस्मत ही खराब है, जो ऐसी बावली बहू हमें मिली है वो तो हमारे बेटे की सहनशीलता है, वरना ऐसा व्यवहार कौन सहता है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, मुझे मार डालेंगे, सच्ची है मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये लोग राक्षस है, मुझे बचाओ। बस गौरी और कितनी बेइज्जती करोगे हमारी, माँ ले जाओ इसे। नहीं जा, आजा आजा, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं है मास्टर जी, धीरज धरिए, समय के साथ सब ठीक हो जाए। अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम जी। माँ, माँ, अंदर लेकर आओ उसे। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी, क्या कहा था मैं? कल पूरे परिवार के सामने चली, आज गांव वालों के सामने। रुक, बंद किए देता हूँ तुम्हारा ये नाटक, अभी बंद किए देता हूँ तेरा ये नाटक। रुक, मत मारो मुझे, छोड़ दो। चलो खत्म हुई परेशानी। हाँ चलो, चल चल बेटा। अनु देखना किसका फोन है। हेलो दीदी, आप ठीक तो है ना दीदी? दीदी दरअसल जिसे आप अनु समझ रही हैं वो अनु नहीं है, वो गौरी नाम की लड़की की आत्मा है दीदी। दीदी गौरी को उसके पति और उसकी सास ने मार दिया था, तब से वो दूसरी औरतों के पतियों को मार रही है। ये उसका बदला है दीदी। आप अभी के अभी वहाँ से निकल जाइए, आपकी आपकी जान को खतरा है दीदी। मैं आपको हेलो 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 किसका फोन था? माँ जी का था, हमें तालाब के पास बुला रही हैं। तालाब के पास? वो ये सब वहाँ पे क्या कर रही हैं? पता नहीं, चल के देखते हैं। हाँ चलते हैं। दीदी बना ली दीदी। सुना ले दीदी, इस वक्त कहाँ जा सकती है? कहीं वो भी
दीदी, दीदी, सुना रही दीदी? जाओ! छोड़ दो मेरी दीदी को।